नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं उल्लू के पंखों को लेके आया हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं उल्लू के पंख हैं। उल्लू के पंखों का कई प्रकार से प्रयोग होता है, कुछ बता रहा हूँ। सिद्ध उल्लू के सात पंख व्यापारिक स्थल पर रखने से धन प्राप्ति होती है और अचानक होती है। अगर किसी व्यक्ति पे कोई कर्ज है तो उल्लू की हड्डी घर में ठोक दें, कहीं भी आंगन वगैरह में, तो कर्ज निवारण हो जाता है। हाँ, वशीकरण वगैरह करना है तो उल्लू के मांस को और अपमार की जड़ को एक साथ पीस के किसी व्यक्ति को खिला दें तो अच्छा वशीकरण होता है। और अगर किसी घर में ग्रह कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, तो उस व्यक्ति को उल्लू के पंख शनिवार की रात में जलाने से शांति मिलती है। हाँ, किसी का अगर शत्रु परेशान कर रहा हो तो उल्लू के सिर को शत्रु के घर में गाड़ दो तो शत्रु अपने आप नष्ट हो जाता है। हाँ, पति वशीकरण के लिए उल्लू के सात पंख उसके सिरहाने मतलब तकिए वगैरह में छिपा के रखने से धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। इसमें थोड़ा समय लगता है मगर फिर आराम जरूर मिलता है। और परिवार में लड़ाई चल रही हो, भाई की भाई से न बनती हो, घर परिवार में दिक्कत हो रही हो, तो उल्लू के दोनों पैरों को मैं मुख्य दरवाजे पर लटका दें। घर की सुरक्षा के लिए उल्लू का नाखून होता है, उसे ताबीज में धारण करें तो घर की और स्वयं की सुरक्षा होती है। भूत प्रेतों से भी रक्षा होती है उल्लू के नाखून से। और उल्लू के तीन पंख, एक नींबू, केसर, तांबे का सिक्का, ज्वार, गोलोचन वगैरह, ये सब एक कपड़े में, लाल कपड़े में बांध के रखें तो धन लाभ अच्छा होता है। और उल्लू के बहुत प्रयोग हैं। फिलहाल इतना ही। आगे भी उल्लू के पंखों से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।